अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सुहेल खान, AHNTEC जबलपुर। आज हम छुट्टू मैया की तलैया आए थे। यहाँ पर बहुत ही कदीमी ताज़िया बनता है और आप इसको देख सकते हैं कितना खूबसूरत बन रहा है ये ताज़िया। और इस ताज़िए में जो ये जो मटेरियल यूज़ होता है ये अबरक रहता है और ग्लट रहता है और उसकी ये कारीगरी होती है। ये हाजी कल्लू पेंटर साहब जो हैं वो इसको बनाते हैं। और इसमें जैसे हमने पूछा तो इसमें मोहल्ले के जो लोग हैं वो भी इसमें काम करते हैं और सब अपना कीमती वक्त निकाल कर रात के टाइम इसको सब आके बैठते हैं तो ये सब इसमें लग जाते हैं। माशाल्लाह आप देखें इसमें इतना बारीक काम है। और इसमें देखिए आप, इसमें अरबी का जो वर्क है बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है और इसमें सब नौजवान जो हैं सब बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। गुड्डू भाई कब से लगे हो इसमें ताजिए में? हम तो लगे ईद से। तो ईद के बाद से काम चालू हो जाता है? ईद के बाद से काम चालू हो जाता है। तो यानी 7 तारीख तक का कंप्लीट हो जाएगा? 7 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा अबरक का काम है ना? पूरा अबरक का काम है, गिलट का काम है। और ये एक दूसरा ताज़िया तैयार हो रहा है, ये देखिए इसमें भी अबरक का काम है और बहुत ही खूबसूरत बना है ये ताज़िया। और मोहल्ले के ये सब नौजवान जो हैं सब बैठे हुए हैं और जो काम है सब कर रहे हैं। ये हमारे शाहिद भाई खड़े हुए हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। ये गुम्बद जो है ये थर्माकोल की बनाते हैं। देखिए इसमें लेकिन काम देखिए कितना प्यारा है कि थर्माकोल को काट के धीरे धीरे जोड़ के उसको सब बनाया जाता है। फिर शाहिद बाबा क्या चल रहा काम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इधर तो देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फरमाए बस शाहिद भाई, ये ताज़िया कब से बन रहा है यहाँ पर? ये ताज़िया जो है ख़ानदानी ताज़िया, इस ताज़िए को बनते हुए 168 साल हो गए। 174 साल पुराना ताज़िया। ये ताज़िया मशहूर है छुट्टू मियाँ के ताज़िया के नाम से। और इसको बनाने वाले उस्ताद हाजी कल्लू पेंटर साहब इस काम को अंजाम देते चले आ रहे हैं। तमाम महल्ले वाले मिलके इस ताज़िए को बनाते हैं। तमाम नौजवान यहाँ पे अपनी खराज अकीदत पेश करते हैं, जिनसे जो जो काम होता है वो सब काम को अंजाम देते हैं। और इसमें जो कुछ भी पैसा लगता है
ये ताजिया विदाउट चंदे के, इस ताजिए में किसी का कोई ताबून नहीं लिया जाता। आज ही कल्लू पेंटर साहब जो कुछ भी इसमें माल उजर लगता है वो अपने जेब से माल उजर लगा के इस ताजियों को मुकम्मल करता है।